कोल माइंस में हड़ताल को लेकर प्रशासन एक्टिव हो गया है। इस बीच कोल माइंस प्रबंधन के साथ सांसद विवेक बंटी साहू ने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि हड़ताल झारखंड के इशारे पर की गई है। उन्होंने ठेकेदारों से तत्काल हड़ताल को खत्म करने के लिए कहा। कोल माइंस हड़ताल को लेकर परासिया कोल माइंस कार्यालय में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने कोल माइंस के प्रबंधक और ठेकेदारों के साथ बैठक की। सांसद साहू ने बताया कि हड़ताल के पीछे कई बाहरी तत्व एक्टिव हैं। ये गतिविधि झारखंड से संचालित हो रही है, जिसकी पुलिस प्रशासन जांच करने में लगा हुआ है। ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा, कोल माइंस की हड़ताल खत्म करवाने के लिए ठेकेदारों को आदेश दिया गया है। हमारा हम सभी की मंशा, सबका प्रयास यह रहा है कि छिंदवाड़े में हमारी खदानें खुले, उत्पादन बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। लेकिन पिछले कई समय से खदानें नुकसान में जाने के कारण यहाँ पर बंद हुई। उसके लिए कहीं ना कहीं जो पहले लोग हैं वो जिम्मेदार रहे हैं। हमारी मंशा रही है कि नई खदानें खुली और इसको लेकर के मैं लगातार मंत्री से, अधिकारी से बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो नहरिया में जो घटना हुई, इस घटना को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। प्रशासन ने सही समय पर जा करके उचित कार्रवाई करी और आज वहां पर व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।